हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम नेट एग्ज़ाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑफ़ द मॉडल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन यानी कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन uh, का जो मॉडल है उसमें से इनमें से कौन सी एजम्पन है फर्स्ट है प्रोडक्ट होमोजीनियटी सेकेंड नो गवर्नमेंट रेगुलेशन थर्ड परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अवर्व तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है डी जो कि है ऑल ऑफ दी अवर्व क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर प्रोडक्ट होमोजेनिटी भी होती है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है और परफेक्ट मोबिलिटी भी होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एट शॉर्ट रन द फर्म इज अ प्राइस डैश एंड कैन सेल डैश अमाउंट आउटपुट एट दी गोइंग मार्केट प्राइस यानी कि इन परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन की बात करें तो फॉर्म का जो प्राइस होता है वो किस तरह का होगा और किस तरह से सेल करेगा किसी भी आउटपुट को गोइंग मार्केट प्राइस पर तो ऑप्शन है टेकर एनी टेकर अ डेफिनेट मेकर एनी या फिर नन ऑफ दी अबब तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए जो है, taker, कि है टेकर एनी यानी कि प्रोफिट कंपटीशन में अगर फॉर्म का जो प्राइस होता है वो टेकर होता है फॉर्म एंड और वो जो सेल करता है वो एनी अमाउंट पे अपने आउटपुट को इकोइंग मार्केट प्राइस के बेसिस पर उसको सेल कर सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक प्लांट एंड द डिग्री ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनी प्लांट साइज डिपेंड एंटायरली ऑन दी यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक प्लांट का जो साइज है और जो प्लांट का साइज गिविन है उसकी यूटिलाइजेशन के लिए तो वो किस पे डिपेंड करता है फर्स्ट है फैक्टर प्राइस प्राइस ऑफ द गुड मार्केट डिमांड या फिर मार्केट सप्लाई तो फ्रेंड्स का राइट right आंसर है थ्री जो कि है मार्केट डिमांड ये टोटली totally डिपेंड करता है मार्केट डिमांड के बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोपोली इक्वेरियम कैन बी रीच टू वेन यानी मोनोपोली इक्वेरियम होता है वो कहाँ रीच करता है जब मार्जिनल कॉस्टिंग राइजिंग हो या फिर मार्जिनल कॉस्टिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट हो मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलिंग हो या फिर ऑल ऑफ दी अबब तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है फोर ऑल ऑफ दी अब जो भी मोनोपोली uh, इक्वेरियम है वो रीच करेगा या मोनोपोली uh, कॉस्ट अगर राइज होगी कॉन्स्टेंट होगी या फिर फॉल होगी वो हो, तीनों पे ही इक्वेरियम पॉइंट को शो करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इफ़ अ कमोडिटी इज यूज फॉर मल्टीपल पर्पज देन द डिमांड फॉर इट इज नोन एज यानी कि अगर कोई कमोडिटी है जो मल्टीपर्पज के लिए यूज की जाती है तो वहां पर उसकी डिमांड क्या कही जाएगी ज्वाइंट डिमांड कंपोजिट डिमांड डायरेक्ट डिमांड या ऑटोनोमस डिमांड तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन टू जो कि है कंपोजिट डिमांड नेक्स्ट क्वेश्चन है विस सब्जेक्ट इज रेलिवेंट टू दी स्टडी ऑफ़ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर की कोई भी स्टडी कब रेलिवेंट होगी इकोनॉमिक्स में साइकोलॉजी में सोशोलॉजी में या फिर ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है फोर जो कि है ऑल ऑफ दीज जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो रेलिवेंट होती है इकनॉमिक्स में साइकोलॉजी में सोशोलॉजी में तीनों में वो रेलिवेंट रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमांड हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट यानी डिमांड के अंदर कौन सा एलिमेंट होता है क्वांटिटी प्राइस टाइम या फिर ऑल ऑफ दीज तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है फोर जो कि है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रॉफिट कंपटीशन मार्जिन रिवेन्यू फॉल्स डैश देन द फॉल इन एवरेज रिवेन्यू यानी कि प्रॉफिट कंपटीशन में मार्जिन जो रिवेन्यू है वो फॉल होता है किस रेट पे फॉल होगा जब एवरेज रिवेन्यू हमारा फॉल होगा हाफ दी रेट हो जाएगा ट्वाइस दी रेट सेम रेट या फिर नन ऑफ दी अवर तो फ्रेंड्स यहाँ पर वो ट्वाइस द रेट जो है वो फॉल करेगा नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पटिशन प्राइस ऑफ द फैक्टर इज इक्वल टू यानी कि लॉन्ग रन में अगर हम परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करें तो वहाँ पे जो प्राइस ऑफ फैक्टर है वो किसके इक्वल होगा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसको एम आर पी भी बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट जिसे ए आर पी बोलते हैं बोथ ए एंड बी या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट तो फ्रेंड्स का जो राइट right आंसर है वो है ऑप्शन थ्री जो कि है बोथ ए एंड बी जिसको हम एम और ए भी बोलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिटीट्यूशन इज एसोसिएटेड बिट यानी कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो सब्सटीट्यूशन का जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल का वो किससे एसोसिएट करता है यानी किसने दिया था मार्शल ने हिक्स ने स्लट्सकी ने या फिर किन्स ने तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू हिक्स जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिटीट्यूशन का जो लॉ है वो एसोसिएट करता है हिक्स से तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या सजेशन देना चाहते हो वीडियो के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह का पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो आप उसे भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज या मेरी आई डी से भी कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ तब तक के लिए बाय बाय